हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और लड्डू गोपाल जी की सेवा से संबंधित जो वीडियोस की श्रृंखला थी, उसमें लास्ट वीडियो था कि क्या लड्डू गोपाल जी को प्याज लहसुन से बने खाने का भोग लगाना उचित है, तो उसके बारे में हमने बात की थी। और साथ ही मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि श्री विग्रह जो खंडित हो जाते हैं वो क्यों हो जाते हैं, और अगर खंडित हो जाएं तो क्या करना चाहिए। और ये मैं अलग से क्लिप ऐड कर रही हूँ सो दैट आपको रिलेट कर पाओ, और आगे की जो आप वीडियो देखोगे जिस पे मैंने पूरी जानकारी दी है वो मैंने बहुत पहले ही रिकॉर्ड करके रखी हुई थी। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते और बढ़ते हैं आगे। लड्डू गोपाल जी की सेवा से संबंधित ये जानकारी उनके हर भक्त को होनी चाहिए। एक बार फिर से बोलिए राधे राधे। जो श्री विग्रह हैं वो खंडित हो जाते हैं, हाथ टूट गया, पैर टूट गया लड्डू गोपाल जी के विग्रह का। देखिए, कभी कभी तो दुर्घटना हो जाती है, घर में बच्चों के साथ भी हो जाती है, लेकिन इस केस में ज़्यादातर मामले जो मैंने देखे हैं वो लापरवाही के हैं। अगर आप अपने बच्चे को गोदी में पकड़ रहे हैं तो जो बच्चा है वो आपके ऊपर पूरा ट्रस्ट करता है कि आप उसको उछालोगे और उसको पकड़ लोगे, संभालोगे, गिरने नहीं दोगे, तो आप ठाकुर जी के साथ ऐसा कैसे होने देते हो। हालांकि आजकल जो धातु अष्ट धातु की भी मूर्तियां आ रही हैं उसकी क्वालिटी उतनी है, कुछ भी एक्सक्यूज दे देते हैं, हम कुछ भी बहाने बना सकते हैं कि क्वालिटी ठीक नहीं थी, ठोकर कुछ भी हुआ, गलती हो गई। लेकिन ज़्यादातर मामलों में कुछ केसेस ऐसे होते हैं, मैं भी मानती हूँ कि दुर्घटना हो जाती है, लेकिन अगर बार बार आपसे गिर रहे हैं, टूट रहे हैं, कैसे गिरा दिया, गलती होती है, ये लापरवाही होती है। कि कुल मिलाकर की बात इतनी है कि श्री विग्रह ऐसे कैसे आपके हाथ से छूट जाते हैं, आप उनका ध्यान रखें। और अगर आपने बालक रूप में उनकी सेवा ली है तो बालक की तरह ही उनका ध्यान रखें। और एक और बात है, अगर उनका हार्ट टूट जाता है तो उसके बाद लोगों को एक ही सॉल्यूशन नज़र आता है कि इनको अब विसर्जित कर दिया जाए, जल में प्रवाहित कर दिया जाए और दूसरा श्री विग्रह लाया जाए। अगर बहुत खंडित हो गए हैं तो बात समझ में आती है, लेकिन अगर थोड़े बहुत खंडित हुए हैं तो आज की डेट में आपको थोड़ा सा इधर उधर नज़र घुमाने की ज़रूरत है, वो सही भी हो जाते हैं। अगर बच्चे को चोट लगती है तो आप उनको चेंज नहीं करके ले आते हो बार बार, आप उनको ठीक करते हो, इलाज करवाते हो उनका। इसी प्रकार से लड्डू गोपाल जी के श्री विग्रह को कुछ होता है तो उसको आप सही करवा के लाइए। उसका भी एक पूरा प्रोसेस है कि किस प्रकार से आपको नज़दीकी जो भी आपके कृष्ण जी के मंदिर हैं वहाँ पे उनको प्रार्थना करनी होती है भगवान श्री कृष्ण के चरणों में, कि जब तक कि ये जो श्री विग्रह हैं इनको हम वापस से सही करके नहीं ले आते हैं, तब तक जो इनके अंदर प्राण है वो आपके पास हम समर्पित, आपके पास हम आपको सुपुर्द करके जा रहे हैं, और उसके बाद में श्री विग्रह को सही करवाने के लिए दिया जाता है। जब वो सही हो जाते हैं तो वापस से मंदिर में लाया जाता है, पंचामृत से स्नान करा के वापस से प्रार्थना की जाती है कि अब हमारे जो ठाकुर जी हैं वो बिल्कुल स्वस्थ हो गए हैं, ठीक हो गए हैं, तो जो इनके प्राण थे कृपा करके इस श्री विग्रह में हमारी मदद करें कि इसमें ये वापस से आ जाए। लड्डू गोपाल जी से भी प्रार्थना की जाती है। तो हर चीज़ का तरीका होता है दोस्तों, हर चीज़ का सोल्यूशन होता है। तो अगर आपके पास में ठाकुर जी हैं तो सबसे पहले तो उनका ध्यान रखिए, और फिर भी अगर गलती हो जाती है तो ज़रूरी नहीं है कि आप उनको विसर्जित कर दें और फिर दूसरे लड्डू गोपाल जी लेकर के आएँ, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। पहले कोशिश करनी है उनको आप ठीक करें और पूरे नियम से उनकी सेवा करें।